रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। होली से ठीक पहले एलपीजी गैसों में कहीं ना कहीं इजाफे से जो होली का त्यौहार है उस पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। बात करें तो घरेली एलपीजी गैस पे 50 रुपये और साथ ही कमर्शियल सिलेंडर पे 350 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसी मुद्दों को लेकर आज हम राजधानी लखनऊ के प्रमुख चौराहे पे हैं और आम जनमानस से बात करेंगे कि इस मूल्यों में इजाफे से उनका क्या कहना है। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हैं? हम लोकसभा प्रतापगढ़ से हैं, विधानसभा रानीगंज से हैं। आतिश तिवारी नाम है। आतिश जी, हमें ये बताइए, होली से ठीक पहले एलपीजी गैसों में जो कमर्शियल गैस है उसमें 350, घरेलू में 50 रुपये का इजाफा हुआ है, कितना जेब पे असर आएगा? देखिए, ये जो सरकार का जो काम चल रहा है, जैसे कि कोरोना काल में जो जैसे कि नुकसान हुआ था, तो अब उसको धीरे धीरे चारों तरफ से तो भाई जनता के ऊपर तो लोड दिया नहीं जा रहा इतना, जिससे कि मतलब कि अभी धीरे धीरे कंट्रोलिंग हो रही है। और भाई रही बात तो इजाफा हुई है 50 रुपये की, तो आपके मुताबिक इजाफा डैमेज कंट्रोल है कोरोना में जो दिक्कतें हैं इसको लेकर? हाँ, डैमेज कंट्रोल है और कंट्रोलिंग अब धीरे धीरे हो रही है। और क्या है कि जैसे कहीं बढ़ाया जा रहा है किसी चीज़ में, तो कहीं घटाया भी जा रहा है। आतिश जी, कहाँ से ये सूचना मिली कि कोरोना में कुछ जो लाभ देखे तो आर्थिक कहीं ना कहीं कमी आई है, उसमें लाभ के लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, ये देखिए, लाभ के लिए तो लाभ का मतलब ये है कि भाई जैसे 50 रुपये उन्होंने बढ़ाया, तो 100 रुपये किसी में कम भी किया होगा। आप समझिएगा, जैसे सीएनजी जो गैस है, जैसे पेट्रोल है, कहीं से 15 रुपये लीटर आता तो यहाँ तैयार होने में उसको लगभग 65 या 75 रुपीज़ लग जाता है, 70-75 रुपये। तो यहाँ आते आते मार्केट में हो जाता है 85 रुपीज़। दुकानदार बेचेगा तो लगभग 2 रुपये लेता है। तो ऐसे जैसे कि हर चीज़ों में सिस्टम है कि कोई चीज़ तैयार हो के आ रही तो यहाँ तैयार करने में, सप्लाई करने में, भाई गाड़ी से तो आएगा सप्लाई करने के लिए। सरकार तो दावा करती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल की मार, तमाम जगहों पे पोस्टर लगाए जाते थे, मगर उसका उल्टा होता हुआ नज़र आता है, क्या कहेंगे? उल्टा होता हुआ नज़र, देखिए मीडिया से हम आप जुड़े हैं और ये चीज़ देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास का रफ्तार चल रहा है। और विकास की जो पृष्ठभूमि है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आप देखिएगा रोड से लेकर के, हाईवे से लेकर के, और कहीं भी किसी प्रकार की चीज़ें आप देखते होंगे, जो गुंडे माफिया हैं, महंगाई के आलम से कहीं ना कहीं आम जनता परेशान है, इसको लेके हम आपसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। ये जनता तो देखिए, जनता तो भाई हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ परेशान है। अब भाई आप यही पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ तो बहुत महंगाइयाँ हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन क्या भारत के अंदर 50 रुपये बढ़ा दिया गया तो इसमें कोई क्या दिक्कत है आपको? भाई सरकार कहीं ना कहीं आपको 50 रुपये बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में 100 रुपये कम भी कर रही है। आप समझिएगा, ये तो सिर्फ जैसे कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तो अफवाहें फैला रही हैं। अफवाहें इसलिए फैला रही हैं क्योंकि उनको 2024 में चुनाव लड़ना है, तो उनको ये दिखाई दे रहा है कि भैया 50 रुपये गैस बढ़ गया। ये नहीं देख रहे हैं कि जिस रोड पर आप चलते थे इतने उबड़ खाबड़ थे 2014 से लेकर 2017 में, और वही 2014 से लेकर 2017 जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बदली, तो वही आज सरकार की ऐसी कृपा है कि माननीय मोदी जी की। अच्छी दल लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार जो है तत्कालीन की उत्तर प्रदेश के अंदर में और केंद्र में, उसमें कहीं ना कहीं महंगाई पर कंट्रोल नहीं लाया जा पा रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, विपक्ष जैसे कांग्रेस था, उन्होंने 70 साल लगातार भ्रष्टाचार किया। उन्होंने विकास जरूर किया, लेकिन 70 साल उन्होंने भ्रष्टाचार किया। जो आम का रेट 1 किलो का 15 रुपये हुआ करता था, तो कांग्रेस सरकार 25 रुपये हुआ करता था, तो 10 रुपये पहले अपना कमीशन खा लेते थे, 15 रुपये दुकानदार देते थे। और दुकानदार क्या करता? किस समय कमीशन खोरी नहीं है? नहीं, कमीशन खोरी तो देखिए किसी के ऊपर कोई कह नहीं सकते हैं। देखिए, सरकार का तो एक सिस्टम है, सरकार अपना सिस्टम बना रही है, और कमीशन तो हर सरकारों में रही। समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा, इसको तो आप जानते होंगे, आप मीडिया से जुड़े हैं, आप और भी लोगों से पता कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माफियों के ऊपर सीधा बुलडोजर और प्लस गोली और प्लस भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए तो उनको जेल के सलाखों में भेजा जाएगा। अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कहीं का भी हो, आप देखिए 2017 का पहले का देखिएगा, आप 2017 का बाद का देखिएगा कि अपराधी जेल में हैं, और अपराधी को जो संरक्षण देते थे वो आज जाके बैठ के विधानसभा में हल्ला बोलते हैं, वो उन्हीं के द्वारा संरक्षण दिया जाता, वही हल्ला बोलते हैं। हम तो आम व्यक्ति हैं,
हम तो भाई अपनी बात रख सकते हैं। जी बिल्कुल, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं और कि उनके मुताबिक जो एलपीजी गैस है, कमर्शियल गैस है, उसमें बढ़ोतरी को लेकर वो क्या कहेंगे। और हम यहाँ एक और लोगों से बात करेंगे। चाचा अपना नाम बताइए। राजा राम। घर में गैस सिलेंडर यूज होता है? नहीं। गैस सिलेंडर उज्ज्वला के कनेक्शन आपने लिया है? कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लिया है। खाना किस पे पकाते हैं आप? चूल्हे से। चूल्हे से जी। तो साफ तौर से ये गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ एक आंटी, हम इनसे बात करेंगे। आंटी आप अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कि आज ये गैस सिलेंडर के रेटों में जो घरेलू गैस है उस पर 50 रुपये, जो कमर्शियल है उस पर 350 का मूल्यों का इजाफा हुआ है, कितना जेब पे असर आ रहा है? असर क्या, सिलेंडर तो महंगा है ही है, महंगाई पे ही थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो अच्छी बात है। घरेलू यहाँ शहर है, देहात तो है नहीं, जो लकड़ी लेके बना लें खाना, तो इस पे कंट्रोल किया जाए गैस पे। 1100-1200 की गैस है, 50 कम कर दो, उसमें क्या फर्क? 50 महंगा हुआ है तो 50 महंगा है, 1500 पे कर देंगे, इनको क्या है, इनको तो मिल ही रहा है। नहीं तो किचन में खाना बनाती हैं, परिवार चलाती हैं, कितना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई के दौर में। मुश्किल ना पूछो, क्या महंगाई, क्या क्या झेलना पड़ रहा है, बहुत झेलना पड़ रहा है, मगर क्या करें। और हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। चाचा आपका नाम क्या है? अगर बात की जाए तो आज घरेलू गैसों में त्यौहार से ठीक पहले 50 रुपये का इजाफा हुआ है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? महंगाई की एकदम सीमा पे है, कंट्रोल के बाहर है, कंट्रोल नहीं हो पा रही। गैस सिलेंडर अगर बात की जाए तो जो कमर्शियल गैस है उस पर 350 का इजाफा हुआ है, जो घरेलू गैस है उस पर 50 रुपये का इजाफा हुआ है। और बात की जाए तो महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर में हमलावर हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से? मेरे विपक्षी जो हमलावर हैं वो एकदम सही हैं, चरम सीमा पर है, आदमी कंट्रोल के बाहर है, पहुँच के बाहर है, आदमी कर नहीं पा रहा है। हमारे साथ कुछ गृहिणियाँ हैं जो घर चलाती हैं, किचन का भार संभालती हैं। मैम हमें ये बताइए कि आज घरेलू गैस के मूल्यों में 50 रुपये का इजाफा है, होली के त्यौहार से पहले इस बढ़ोतरी पे कितना असर आएगा आपके जेब पे और किचन पे? देखिए असर तो आ रहा है, लेकिन हम लोग सब कुछ एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिलीज के हैं, लेकिन जो हमारे लोअर क्लास है, जो हमारे घरों में काम करने वाली हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो इस बात के लिए अग्री हैं। क्यों? कहती इधर हमारा गैस का चूल्हा महंगा हुआ तो कहीं ना कहीं हमें राशन तो फ्री मिल रहा है, तो इसलिए कहती हम लोग एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको बहुत फ़ायदा और जगह से फ़ायदा हो रहा है, इसलिए मुझे कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब आप क्या कहेंगी मैम? मैं मतलब सर हमें ये तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो गरीब तबका है उसको थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि उनकी कमाई का साधन इतना नहीं है, घर में वो काम करती हैं, बहुत कम कमा पाती हैं, तो उनके लिए तो दिक्कत है गैस के रेट। वो एक नॉर्मल की वो एडजस्ट करने के लिए तैयार, मैंने उनसे पूछते हैं, दो तीन काम वाली हैं मेरे घर में भी करती हैं, तो उन्होंने ये कहा मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे राशन फ्री मिल रहा है, बहुत कुछ फ्री मिल रहा है, तो मुझे ये 50 रुपये का इजाफा अगर किया है, कहीं से किया गया है, तो मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ी तो है ही है, बात तो सही है कि हाँ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमें उधर दूसरी तरफ से तो हमें राशन मिल रहा है ना, खाने की चीज़ें तो मिल रही हैं। अगर बात की जाए तो मध्यम वर्ग को अगर हटा दें, निचले वर्ग को हटा दें, जो लाभार्थी है उसके अलावा भी आम जनमानस है, उनका क्या अभी इस मामले को लेकर, इस इजाफे को लेकर उनका क्या कहना है? आम जनमानस को तो मतलब क्या, जो नॉर्मल व्यक्ति मतलब गैस की एक ऐसी चीज़ है, सब इस पर सभी लोग कहते हैं गैस के रेट नहीं बढ़ना चाहिए, कि गैस रेट दिन पे प्रतिदिन 400 रुपये से शुरू होकर आज गैस 1000 की शायद पहुंच गई है, तो बहुत ज़्यादा हो गया है इसका, तो थोड़ा रेट कम होना चाहिए गैस का। बात की जाए तो 2014 से पहले महंगाई को लेकर तमाम प्रदर्शन होते थे, तमाम मांगे की जाती थी, अभी कहीं ना कहीं ये शांत नज़र आता है, इसको लेके क्या कहें? शांत इसीलिए है ना कि सोच बदली है ना लोगों की, पब्लिक को पता है कि मुझे कहीं से फ्री मिल रहा है, तो फ्री क्या है, कि फ्री कहीं से फ्री मिल रहा है तो कहीं हम कुछ बढ़ा के, कहीं अगर हमें 50 रुपये देना पड़ रहा है, हमें दूसरी तरफ से तो फ्री मिला, 2014 पहले क्या फ्री मिलता था, किस तरह का करा था, आम जनमानस का उन्होंने बहुत ध्यान रखा, पूरी पब्लिक ने। 2014 से पहले भी राशन बांटा जाता था, तमाम चीज़ें भी थी। अरे वो मोस्टली होता क्या था, हम लोग तो देखते ना,
उस समय जनता तक नहीं पहुंचता था, उस गरीब जनता तक नहीं पहुंचता था। लोग गालियां बकते थे, कहते आए हैं वोट लेने आए हैं, हम तो नहीं देंगे, आए हैं इस समय क्योंकि वोटिंग हो रही होने जा रही है तो रोड बन रही है, बिजली पानी, हम लोग जो फैसिलिटीज अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ना 11-15 फ्लाईओवर तो पूरे लखनऊ में ही बने हुए हैं, 11 फ्लाईओवर बनने प्रस्तावित हैं, मुश्किल से 6-7 बन चुके हैं, 4 या 5 और बनने हैं, है ना। काम जो सामने दिख रहा है, जो हम लोग पर्सनल जो है, हम लोग अब हम लोग को खुशी इसलिए हो रही है हमारे टैक्स का पैसा जो है अच्छे कामों में मिल रहा है। कितना पैसा, कितना हजारों करोड़ रुपया हम लोग देते थे जो नेता लोग अपनी जेबों में रख लेते थे, अब वो लग रहा है कि कितना पैसा हम लोगों का वो लोग मारते थे, और अब हम लोग जो है हमारा वही टैक्स वाला पैसा हमारी पब्लिक में, हमारी फैसिलिटीज़ में। तो थोड़ा अगर इन सब चीज़ों में बढ़ावा वो किया जा रहा है तो 50 रुपये हर कोई शेयर करने के लिए तैयार है और खुशी खुशी से तैयार। बात की जाए तो LPG गैस के अलावा जो PGI में जो भी जाँचें होती है उसमें 50% का इजाफा हुआ है, साथ ही बसों के किराए में इजाफा हुआ है, प्लेन में जो किराए होते हैं उसमें इजाफा हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर वही बताया ना, देखिए गरीब जनता के लिए सब चीज़ें दिक्कत वाली है, आम आदमी के लिए नहीं। गरीब जनता प्लेन नहीं जाएगी, प्लेन में ही जाएगी, है ना। ट्रेन में भी बहुत रेयर, जब ज़रूरत होती तब गरीब जनता जाती। गरीब तो अपना पेट ही पालने में लगा रहता है। आज सब गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं, हमारे घरों के आसपास ही आ रहे हैं, रोज़ नए नौकर आ रहे हैं, मुझे काम दो, क्योंकि यहाँ जानने की यहाँ पैसा है। गरीब जनता अब तो वो करना ही नहीं चाहते, गांव से आके कह रहे हैं हम गरीब हैं, घर वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं करना चाहते हैं, भाग भाग के चले आएंगे क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं करनी है। जहाँ मेहनत है वहाँ सब बढ़िया है। बहुत लोग सब मोस्टली अब आ रही हैं, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, आदमी औरत सब गांव से भाग भाग चले आ रहे हैं, वहीं पर काम है आपके पास, लेकिन अब करना नहीं चाहते। कहाँ खेत है, खेत सब खत्म होते चले जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं। लेकिन पब्लिक खत्म हो रहे हैं तो भंडारण पे भी तो असर आएगा इसका। हाँ बिल्कुल, किचन में जो थाली में हमारे खाना उस पे भी तो असर आएगा। वो तो बिल्डर्स को बेचे जा रहे हैं, सारे खेत बिल्डर्स ले रहा है, सारे ये ले रहे हैं, सबका है इसमें। अभी देखिए कहते नहीं है कि हम लोग अभी 2014 से पहले बोदा में थे, बिल्कुल जैसे नहीं गंध में थे, है ना। उस कीचड़ को हटाने में तो समय लगेगा। अब ये लगता है कि जो भी पैसा हमारा जा रहा है, जो भी पैसा हम लोग इधर इजाफा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, ये चीज़ है। इसलिए हर कोई एडजस्ट करने के लिए तैयार है। हम तो आम जन से हम अक्सर पूछते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, तो लोग कहते हैं हम लोग को ये तो लग रहा है कि मेरे जो पैसा मेरे को मेरे से जो खींचा जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसी अच्छे कार्य में लग रहा है। घरेलू गैस में 50 रुपये, कमर्शियल गैस में 350 रुपये का इजाफा हुआ है। तमाम विपक्षी दल इसको लेके हमलावर हैं और कह रहे हैं कि त्योहारों से पहले ये कहीं ना कहीं आम जनता को एक और महंगाई की मार दी जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी जी, मोदी जी जनता को ये इस उद्देश्य से ये मेक इन इंडिया आगे बढ़ रहा है हमारा देश, और ये 50 पहले वाली 50 नहीं रह गई है, ये 50 पैसे बढ़ा है। समझिए आज की दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जो ऊर्जा दिया है हमारे भारत को, जो विश्व में इसका नाम चल रहा है, 50 रुपया 50 पैसे को मानिए महंगाई पहले से अब कम है। इस समय 50 रुपया कोई माने नहीं रख रहा है। आज इस परिवेश में हमारे योगी जी विश्व से सारे मेक इन इंडिया के तहत बढ़ावा देने के लिए, घर घर में रोजगार देने के लिए कार्य कर रहे हैं। रोजगार इंडिया में आने वाले भविष्य में रोजगार की इतनी ताता लग जाएगी कि यहाँ पर विदेशों से कार्य करने के लिए यहाँ पे इंडिया में खुद यहाँ मेक इन इंडिया के तहत भारत को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। सर अभी ये बताइए, अगर बात की जाए 2014 की तो तमाम इश्तेहार छपे, पोस्टर छपे जिसपे लिखा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इनकी सरकार, उसके बावजूद भी विपक्षी दल कह रहे हैं कि इन पोस्टरों के बावजूद भी सरकार उसका उल्टा काम कर रही, यानी कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस साथ ही साथ चिकित्सा के अंदर में कहीं ना कहीं के जी अभी में 50% का इजाफा किया गया है टेस्टिंग में, साथ ही अगर बात की जाए तो हवाई यात्रा भी अब महंगी हो गई है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? देखिए मुद्दा हवाई यात्रा की नहीं है, आज लोग रेलवे से अधिक हवाई यात्रा में कार्य में लोग जुड़े हुए हैं और हवाई यात्रा आसान समझ रहे हैं। हमारे
देश के प्रधानमंत्री 500 कुछ की संख्या में नया अभी विमान बुक किए हैं जो इंडिया में और देशों से इंडिया की बढ़ावा होगी। इसमें मेक इन इंडिया के तहत भारत को आगे ले जाने के लिए कार्य में यहाँ की जनता को कार्य मिलेगा और हमारा देश मजबूत होगा और डॉलर धीरे धीरे समाप्त होगा और रुपए का वैल्यू बढ़ता जाएगा। क्या आप मानते हैं कि जो तमाम वादे थे महंगाई घटाने को लेकर, आम जनता अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल और रोजमर्रा के उपयोग में होने वाली गैस सिलेंडर से त्रस्त है, क्या आप मानते हैं? मानता हूं, लेकिन आज जो जमाना जितना आगे हो गया, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, अभी पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के तुलना में भारत बहुत सही है। लेकिन भारत के सामने पाकिस्तान तो एक चींटी के समान है, भारत बहुत बड़ा है। चींटी वो भी हमारे देश का हिस्सा था, लेकिन वो इस समय अहंकार में लोग थे और भारत प्यार का भूखा हुआ है। मतलब ये आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम विनय सिंह है। ठीक, ये बताइए कि पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैसों में इजाफा देखने को मिल रहा है, कमर्शियल गैस में 350 और घरेलू गैस में 50 रुपये का इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, बात उसकी नहीं है, आप मैं मीडिया चैनल से कहना चाहता हूँ, देखिए जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है और जिस हिसाब से रसोई गैस में अगर जो फ्री में सिलेंडर हर चीज़ मिल रहा है, तो अगर जो 50 रुपया बढ़ जा रहा है, तो होली दिवाली में योगी बाबा ने कहा है, महाराज जी ने कहा है कि होली दिवाली में फ्री दे रहा हूँ, और प्लस पॉइंट ये आ रहा है, अगर जो फ्री में अगर जो देखिए बिजली पानी हर चीज़ जा रहा है आज गाँव में, गाँव में आप चले जाइए कितना 24 घंटे लाइट मिल रहा है, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, इससे पहले नहीं आ रहा था, हैं आज इससे पहले देख लीजिए, ये सरकार अच्छी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं ना, 50 रुपया बढ़ गया तो उसमें क्या महंगाई के हिसाब से चलेगा? इससे पहले तमाम विरोधी दल के नेता ट्वीट करके सरकार पर निशाना साध रहे हैं महंगाई को लेकर, और कह रहे हैं कि तमाम वादे किए गए 2014 से कि महंगाई को कम करेंगे, उसके बावजूद भी महंगाई का रफ्तार लगातार है। देखिए, मैं नहीं कह सकता हूँ महंगाई कोई, देखिए एक घर में 3 गाड़ी 4 गाड़ी हो रहा, पहले एक साइकिल आता था लोग कहते थे साइकिल आया, एक मोबाइल आता था गांव वाले कहते कि यहाँ मोबाइल आया, एक गाड़ी आती थी कहते कि फलाने की गाड़ी आया, आज एक घर में चार चार गाड़ी हो रहा, तो महंगाई हम नहीं समझता महंगाई है। ठीक है, लोग कहते रोज़गार, हर लोगों को रोज़गार उसी हिसाब से दिया जाता है जिस हिसाब से आप क्वालिफिकेशन कर रहे, तो क्या योगी बाबा नहीं कर रहे हैं क्या? हर हिसाब से उसको मान सम्मान दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं ना। और रही बात महंगाई की, हम नहीं मानता हूँ महंगाई है, उस हिसाब से महंगाई नहीं है। जो आपके हिसाब से कैसी महंगाई होनी चाहिए? देखिए, इससे पहले चले 70 साल पहले, ठीक मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, हर चीज़ ख़त्म हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो गया, इससे पहले आप देखिए महंगाई प्लस पॉइंट नहीं होता, एक घर में 10-10 गाड़ियाँ आ रही हैं, आप कहते हैं महंगाई है, हम नहीं मानता हूँ महंगाई है, मैं नहीं मानता हूँ महंगाई है, अरे कमाओ, खुद करो, अपना काम करो, है लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिला है, नहीं मिला या नहीं, हम भी तो कहते हैं, हम भी तो युवा हैं, हम भी तो कहते हैं युवा हैं, हमको कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन हम जब हम पढ़े लिखे रहेंगे, हर चीज़ रहेंगे, तभी तो उसके लिए हकदार रहेंगे, लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, बात उसकी नहीं है। ये ना सोचिए मैं गमछा डाल रहा हूँ कि बीजेपी का हूँ, लेकिन बात उसकी नहीं है, पॉइंट प्लस पॉइंट होना चाहिए उसके लिए, अर्थात बट मी उस लेवल पे जिस दिन आ जाएंगे तब आपको मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, हर चीज़ मिलेगी। जिनका साफ तौर पे देखें तो मिला जुला विचार है, कोई कह रहा है कि सरकार को महंगाई पे लगाम लगानी चाहिए, तो कोई कह रहा है कहीं ना कहीं से प्रदेश में विकास आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार पर आगामी दिनों में इस पर क्या रुख रहता है। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।